फिर काज भमौरी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिला कुआ में, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। फिर काज भमौरी थाना क्षेत्र के मुढ़ारा गांव में स्थित तालाब के किनारे बने एक कुआ में मृतक का शव कुआ में उतराता हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि मृतक राजेश अनुरागी बीते 18 दिसंबर से गायब था और 22 दिसंबर को इसका शव कुआ में मिला है। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारे पुत्र की 8 से 10 लोगों ने हत्या की है। मेरे पुत्र को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद शव को कुआ में फेंक दिया। पुलिस ने शव पंचनामा भरकर शव का पीएम कराया और प्रकाश भमौरी पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। हुआ था कि हमारा लड़का एक 304 की उसकी पेशी थी, 16 तारीख को पेशी थी और 17 को रहा। उसके बाद हम 18 तारीख को 4 बजे करीब हम महोबा पेट्रोल पंप तक छोड़ा यहाँ उस दिल्ली जाने के लिए। वो दिल्ली में रहता ही था और दिल्ली से आया था। फिर क्या हुआ है कि 10 बजे करीब गांव का प्रदीप और मनोज, प्रदीप ब्राह्मण, मनोज सिंह ये लेकर उसे आए हैं, बैठा रहे हैं जीप में। फिर उतारो हैं सामान कर चलो गाली गलौज कर लागे आखे मोई द्वारे के सामने। और फिर जो है तो काफी लोग हो गए, प्रदीप ब्राह्मण, मनोज सिंह, राम जी, श्याम जी, देवहरिया, हल्के विश्वकर्मा, दुलीचंद, मैयादीन अनुरागी, डर्री राम बहोरी, मूलचंद अनुरागी, सनोत तारापत। क्या किया इन्हें? इन्होंने मेरे लड़के को मारा। काहे से मारा? 18 तारीख काहे से मारा? अब लाठी डंडों से मारा। डेड बॉडी कहाँ मिली थी? डेड बॉडी कुएं में डाल गए थे। कुएं में डाल गए थे? हाँ, हमको झमका रहे थे तो हम फिर हम कुआ कहाँ पर है? कुआ हमारे मुहाल पर है। किस जगह पर? स्थान का क्या? तालाब के नीचे, तालाब के मकान के मुहारा में। हाँ, तीन घर छोड़ कर है। कब की घटना है ये है? तो 18 तारीख की घटना है। हाँ, शव कब मिला? शव 22 तारीख को। 22 तारीख लिहाज उतरा गई। अच्छा, फिर हमने जाना, हम जानते रहे ढूंढते रहे। रिपोर्ट